I really appreciate the arrangements made by Pakistan Bureau of Statistics. हमारा जो सेंसस जो होने जा रही है उसके हवाले से जो इंतजाम हैं और जो मेथडोलॉजी अख्तियार की जा रही है उसके हवाले से इतनी मिन्यूट ब्रीफ इन डेप्थ जो है डिटेल्स बताई। उम्मीद है हमें कि इसके आने की वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डाटा में कन्फ्यूजन्स रह जाती थी वो इस दफ़ा जो है वो एक्यूरेट डाटा और प्रिसाइज डाटा जो है ना वो उसका हसूल मुमकिन हो सकेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कितने होने चाहिए, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, पुलिस की सहूलत कैसी होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसे होनी चाहिए। हर घर जियो टैग होगा और हर जो है वो इदारा जियो टैग होगा और जिस तरह के 6 सेंसस के ऊपर क्वेश्चन उठे थे और उनके आंसर्स देना मुमकिन नहीं थे, मेरा ख्याल है कि उन सारे जो वरीज हैं और जो उसके अंदर लैकुनास थे उन सब का खात्मा इससे मुमकिन हो सकेगा। दिस सेंसस विल एक्चुअली हेल्प मल्टीपल कैप्चरिंग अ मल्टीपल इंडिकेटर्स, जो एक बड़ा डेटाबेस बनेगा और ना सिर्फ ये कि ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बल्कि इलेक्शंस और बाकी भी जो यूटिलिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए ये एक बेसिक बेस लाइन बन जाएगी। क्योंकि ये पहली दफ़ा डिजिटल सेंसस हो रही है और आपने तमाम जो हमारे ब्लॉक लेवल पे हमने इनको जियो कोड करना है स्ट्रक्चर्स को और जो हमारी हाउस लिस्टिंग होगी वो हमारी इसी पे हम जो है इकोनॉमिक सेंसस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि जो हम जो हमारा मकसद था कि कॉन्फिडेंस अचीव करें और उनको पूरा प्रोसेस का बताएँ, उनकी ओनरशिप क्रिएट करें, वो हमें हासिल हुआ। I wish you all the best to Pakistan Bureau of Statistics in their exercise.